Once again, welcome to you all, my dear students. My name is Devin Kumar Tiwari. Today I will teach you class 6 English language, chapter 1st, the sentence. मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को class 6 English language chapter 1st, the sentence पढ़ाने जा रहा हूँ. So that let us start to know about sentence. तो आज हम पहले सीखते हैं कि word sentence क्या होता है. A group of words that makes complete sense is called sentence. A group of words that makes complete sense is called sentence. शब्दों का ऐसा समूह हो जो पूर्ण अर्थ दे उसे सेंटेंस कहते हैं. जैसे she writes a letter, आपका क्या हुआ? She writes a letter, वह पत्र लिखती है. She letter a write. ये भी एक group of words है, ये भी group of words. But this sentence explain complete sense and this sentence does not explain complete meaning. So that this is correct. That is a sentence and that is a incorrect sentence. So that is the sentence. So that now we will study about types of sentence. अब हम पढ़ेंगे types of sentence. Types of sentence. Sentence के प्रकार. Types of sentence. There are 5 types of sentence. My dear students, there are 5 types of sentence. आपका 5 types of sentence होता है. First हो गया आपका declarative sentence, D-E-C-L-A-R-D, declarative sentence, इस declarative sentence को हम कहते हैं, assertive sentence भी इसको कहा जाता है. इसको assertive sentence भी कह सकते हैं. assertive sentence हो गया आपका, इसको statement भी कहते हैं. क्या कहते हैं? statement बोलते हैं. इसको पॉजिटिव भी हम कह सकते हैं. डिक्लेरेटिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस, स्टेटमेंट और पॉजिटिव सेंटेंस इज कॉल्ड. सो दैट दिस सेंटेंस डिवाइडेड इनटू टू पार्ट. इस सेंटेंस को हम दो पार्ट में बांटते हैं. आपका एक हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस, ए डबल एफ आई आर एम ए टी आई वी ई, अफर्मेटिव सेंटेंस. आपका एक हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस. दूसरा आपका होता है नेगेटिव सेंटेंस. क्या हुआ? नेगेटिव सेंटेंस. दूसरा आपका हुआ नेगेटिव सेंटेंस. अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया और नेगेटिव सेंटेंस. अफर्मेटिव सेंटेंस फॉर एग्जांपल, ही गोज टू मार्केट. ही गोज टू मार्केट, यह आपका हुआ ही गोज टू मार्केट. ये आपका हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस. नेगेटिव सेंटेंस में आप कह सकते हैं, जैसे इसी एग्जांपल सेंटेंस को आप नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं. ही डज नॉट गो टू स्कूल. ही डज नॉट गो टू मार्केट. डज नॉट गो टू मार्केट. गो टू मार्केट. सो दैट इज द टू एग्जांपल ऑफ डिक्लेरेटिव सेंटेंस और असर्टिव सेंटेंस इन स्टेटमेंट. नेगेटिव सेंटेंस एक्सप्रेसेस नेगेटिव meaning of the sentence. So that is the first type of sentence. And the next type of sentence, interrogative sentence. Second sentence is interrogative sentence. Interrogative sentence. I-N-T-E-R-R-O-G-A-T-I-V-E. Interrogative sentence. What is interrogative sentence? इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? अ सेंटेंस दैट आस्क क्वेश्चन. अ सेंटेंस दैट आस्क क्वेश्चन. दैट आस्क क्वेश्चन, जो प्रश्न पूछता है. आस्क क्वेश्चन, ऐसा सेंटेंस जो प्रश्न पूछे उसको क्या कहते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस. और इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस वी मस्ट बी यूज क्वेश्चन मार्क इन द एंड ऑफ द इंट्रोगेटिव सेंटेंस. इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंत में हम इंट्रोगेटिव मार्क का प्रयोग करते हैं, जिसका साइन होता है ऐसे. ए इंट्रोगेटिव सेंटेंस का साइन, जैसे फॉर एग्जांपल में आप ले लीजिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब से. जैसे डू यू गो, आपका क्या हो गया? डू यू गो, क्या आप जाते हो? Do you go? या फिर कह सकते हो what are you doing? ये भी आपका हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस. What are you doing? ये आपका क्या हो गया? इंट्रोगेटिव सेंटेंस. Can you lift this box? Can you lift this box? क्या
इस बॉक्स को आप उठा सकते हैं बी ओ एक्स इंट्रोगेटिव मार्क्स सो दैट इज द सम एग्जांपल अबाउट इंट्रोगेटिव सब्जेक्ट डू यू नो व्हाट आर यू डूइंग वेयर यू नीड दिस बॉक्स इन द एंड ऑफ द इंट्रोगेटिव सेंटेंस वी मस्ट यूज क्वेश्चन मार्क सो दैट इज द सेकंड काइंड ऑफ सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपका सेकंड हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस अब आपका होगा इंपरेटिव सेंटेंस आप पढ़ेंगे आपका थर्ड काइंड ऑफ सेंटेंस हो गया इंपरेटिव सेंटेंस क्या होगा इंपरेटिव सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है इंपरेटिव सेंटेंस एक्सप्रेसेस इंपरेटिव सेंटेंस एक्सप्रेसेस एडवाइस कमांड रिक्वेस्ट इटीसी तो ए इंपरेटिव सेंटेंस में क्या होता है इंपरेटिव सेंटेंस में एडवाइस आपका हो गया रिक्वेस्ट हो गया रिक्वेस्ट हो गया आपका कमांड हो गया ये सब क्या होता है विद द हेल्प ऑफ दिस सेंटेंस वी नो द सेंस ऑफ एडवाइस रिक्वेस्ट एंड कमांड फॉर एग्जांपल एग्जांपल के तौर पर आप देखिए एग्जांपल एग्जांपल में ऐसी बात और इन दिस सेंटेंस द सब्जेक्ट इज ऑलवेज हाइड इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट जो हमेशा छुपा रहता है इंपरेटिव सेंटेंस स्टार्ट्स इंपरेटिव सेंटेंस स्टार्ट द रूट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब मेन वर्ब के रूट फॉर्म से हम इसको स्टार्ट करते हैं ओपन द डोर जैसे आपका क्या हो गया ओपन द डोर दरवाजा खोलो दिस सेंटेंस एक्सप्रेसेस एडवाइस को ऑर्डर दिस सेंटेंस एक्सप्रेसेस ऑर्डर ऑर्डर का हुआ होता है सेकेंड हुआ प्लीज गिव मी योर बुक 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 ये आपका हो गया इंपरेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल होंगे इसके बाद आप देखिए थर्ड आपका हो गया जैसे लेट मी स्लीप नाउ ये आपका हो गया देयर आर सम एग्जांपल्स अबाउट इंपरेटिव सेंटेंस के कुछ उदाहरण हुए इंपरेटिव सेंटेंस की एक विशेषता है इंपरेटिव सेंटेंस हमेशा मेन वर्ब से शुरू होती है इसके अंत में हम फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं सेकंड आपका थर्ड फोर्थ आपका हो गया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस फोर्थ सेंटेंस आपका हो गया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ई एक्स सी एल ए एन ए टी ओ आर वाई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एस ई एन टी ई एन सी ई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस So strong exclamative sentence में हम क्या पढ़ते हैं exclamative sentence expresses strong feeling इसमें strong feeling आता है जैसे आपका example में strong feeling इसमें क्या आएगा strong feeling आता है strong feeling मन की तीव्र भावनाएं जैसे इसका example क्या हुआ इसमें जैसे हुआ ओ ए लॉस आई एम रिव्यू मैं बर्बाद हो गया आई एम रिव्यू इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वी मस्ट बी यूज एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से क्या आपका हो गया ए लॉस आई एम रिव्यू दूसरा आपका एक हो गया जैसे ब्रेवो क्या हो गया ब्रेवो वी हैव ऑन द मैच वी हैव on the match we have on the match ये आपका हो गया exclamative sentence जैसे what a brilliant देखिए third आपका हो गया what a beautiful the scene is beautiful the scene is scene is ये आपका हो गया exclamation mark so that is सम एग्जांपल्स अबाउट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस अब आपका आपका हो गया सॉरी आपका फोर्थ काइंड ऑफ सेंटेंस था एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस अब आप पढ़ेंगे लास्ट सेंटेंस काइंड ऑफ ऑप्टेटिव सेंटेंस कौन सा सेंटेंस हुआ ऑप्टेटिव सेंटेंस मींस होता है इच्छा सूचक वाला आप
एक्टिव सेंटेंस को क्या कहते हैं बच्चों, इच्छा सूचक वर्ब, जिसमें हम अपने डिजायर को अभिव्यक्त करते हैं। दिस सेंटेंस आर सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस विश, प्रे, कज, इज कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस। इसमें आप प्रे, आप इसमें क्या करेंगे, प्रे होता है, कज जो होता है, कज को हम देखते हैं, और विश, विश, और क्या होता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस की शुरुआत में से होती है, एन ए वाई। फॉर एग्जांपल जैसे आप यूज करिए एग्जांपल में, जैसे मैं यू लिख रहा हूं, आपका क्या हुआ, मैं यू लिख रहा हूं, एम ए वाई, मैं यू लिख रहा हूं, मैं यू लिख रहा हूं। आपकी उम्र कैसी हो, लंबी हूं, मैं यू लिख रहा हूं, आपका एक प्रश्न हो गया। सेकेंड आपका क्या हो गया, मान लो मैं यू आर गो टू हेल्प, मैं यू आर गो टू हेल्प, गो टू हेल्प, तुम सब लोग कहाँ जाओ, हेल्प में जाओ। सो दैट इन द एंड ऑफ द ऑप्टेटिव सेंटेंस वी मस्ट बी यूज अ एक्सक्लेमेशन मार्क, इसमें भी प्रयोग किया जाता है। सो दैट इज द टाइप ऑफ सेंटेंस। आई होप दैट माय डियर स्टूडेंट यू नो अबाउट सेंटेंस एंड इट्स क्लासिफिकेशन। सो दैट थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।